हाय गाइस, व्हाट्सअप जैसे का स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आरपीएफ कैसे बन सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू वीडियो बनाया है जो आरपीएफ कांस्टेबल का है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा। और मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया है कि आप टीटी कैसे बन सकते हैं, तो वो वीडियो भी आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग का कमेंट एक रहता है कि भाई आप क्या करते हो, आप क्या रेलवे में नौकरी करते हो। देखो यार, मैं आपको बता दूं कि मैं एक बीए का स्टूडेंट हूं और मैं स्टडी करता हूं, स्टडी के साथ साथ मैं यूट्यूब पर भी वीडियोज़ बनाता हूं और कभी कभी इंटरव्यू भी ले लेता हूं जो रेलवे के संबंधित एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो वैकेंसी आने वाली है वो कब आएगी। देखो, वैकेंसी जब चुनाव आने वाली रहती है ना, जैसे 2024 में शायद चुनाव हो, तो उससे पहले वैकेंसी आ जाएगी जो कि 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल पुलिस का। तो वेट करिए, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग वीडियोज ऐसे बनाते हैं जो फेक बनाते हैं, ठीक है, बस वो इधर उधर की कोई भी साइट पर आर्टिकल लिखा रहता है और उसी को लेकर आपको दिखाते हैं। लेकिन कमिंग सून, बहुत जल्द आने वाला है वैकेंसी, ठीक है, तो आ जाएगा नया साल तक, देखते हैं, करिए, जैसे आएगा मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको 10th कंप्लीट होना चाहिए, 10th बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका 10th कंप्लीट है, 10th पास है, तो आप आरपीएफ के लिए एलिजिबल हो। और बात करें इसकी एज की, तो यार देखो, 18 से 25 ईयर एज होनी चाहिए, 18 से 25 ईयर एज के अंदर आप भर सकते हैं। और छूट के बारे में बात करें तो एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट मिलती है और ओबीसी को 3 वर्ष छूट मिलती है। और कुछ लोग पूछते हैं कि इसकी हाइट क्या होनी चाहिए। देखो यार, हाइट की बात करें तो जनरल और ओबीसी का हाइट रहता है 165 मांगता है, ठीक है, और जो एससी एसटी वाले हैं उनका केवल 160 में हो जाता है, जैसे कि मेरा भी 160 है, ठीक है। तो मैं अगर अप्लाई करूं आरपीएफ का, और मैं भी भरने वाला हूं, ठीक है, आप लोग को सब बताऊंगा कैसे क्या होता है। और जो महिलाओं को होता है जनरल ओबीसी, उनका 157 सेंटीमीटर, और जो एससी एसटी हैं उनका केवल 152 सेंटीमीटर। तो ये कन्फर्म है, इतना ही रहता है, आप सर्च कर लीजिए जहाँ जहाँ। और जो बॉयज़ का रहता है चेस्ट कितना होना चाहिए, तो 80 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कुछ क्राइटेरिया के बारे में कि ये होना चाहिए तभी आप आरपीएफ के लिए एलिजिबल हो। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, देखो आरआरबी का जो वेबसाइट होता है ना, वो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करता रहता है समय समय पर, तो आप उसको चेक कर लीजिए। और देखो, आवेदन तो ऑनलाइन ही होता है, क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं। अब जैसे टीटी वगैरह का ऑनलाइन होता है, उसी तरीके से आपको आरआरबी के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और इसकी जो परीक्षा है वो रिटन एग्जाम होता है, लिखित एग्जाम के बाद आपका होता है फिजिकल टेस्ट, ठीक है, फिजिकल टेस्ट के बाद आपको होता है मेडिकल, और देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करा जाएगा। और बात करें इसकी सैलरी के बारे में, तो यार सैलरी ना 5200 से स्टार्ट होके 20,000 तक जाती है, और 20,000 से ज़्यादा भी होता है बाद में, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में इतना ही रहता है प्रतिमाह। और ग्रेड पे आपको 2000 प्रतिमाह, ओके। तो जैसे कोई न्यू वैकेंसी आती है मैं आपको वीडियो बना कर बता दूंगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, कितनी लंबाई नहीं होनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। तो होप करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रेलवे के रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।